अच्छा जी, अब हम फंक्शन लिखते हैं। तो क्योंकि हमें पता लग रहा है कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है और हमारा जो डाटा है वो भी इंटीजर टाइप का है, तो जब हम वैल्यू रिमूव करेंगे वो भी इंटीजर टाइप की होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंट रिमूव फ्रॉम टेल, हेड से हो चुका है, टेल की बारी है, और हम क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो कहीं इधर जाके लगा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास इफ़ स्टेप वन क्या है, हम चेक कर रहे हैं लेस एम्प्टी है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉट इज़ एम्प्टी आ गया, और ये वाला जो है वो हमारे पास हो गया स्टेप वन। ओके जी, स्टेप वन हो गया। अब हमें क्या करना है, एक टेम्प लेना है और उसको स्टार्ट करना है, सॉरी हेड से। ये हमारे पास आ गया स्टेप वन ए। उसके बाद हमने क्या करना है, टेल नोड को फाइंड करना है। तो टेल नोड को फाइंड करने के लिए हमारे पास आ जाता है स्टेप वन बी। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। हमने टेल प्रीवियस नोड फाइंड करनी है टेल से, तो दैट वुड बी टेम्प का डॉट गेट नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। जब तक क्या नहीं हो जाता हमें नल नहीं मिल जाता। तो हमें पता है कि नेक्स्ट पार्ट किसका नल होता है, टेल का। तो अगर टेल है तो उस हमने उससे पिछले वाले को देखना है, यानी जिसके नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट पार्ट पर नल है। तो ये बहुत सिंपल सा काम है, हमने यहाँ पे कह दिया टेम्प रिक्वेस्ट टू डॉट गेट नेक्स्ट कर दिया, आगे मूव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, हम या तो उसका रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं या हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लेट्स उस वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ, टेल को रिक्वेस्ट टू टेम्प का जो है गेट नेक्स्ट यानी टेल आ गई हमारे पास, और हमने इसका गेट डाटा कर लिया क्योंकि इन दी एंड हमने इसको रिटर्न करवाना है। अब हमने क्या कर दिया, टेम्प जो है उसका सेट नेक्स्ट कर दिया और उसमें हमने नल भेज दिया, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया ओल्ड। चलिए, तो ये वाला जो स्टेप था, ये था स्टेप वन सी, दिस इज स्टेप वन डी, एंड दिस वन वाज द स्टेप वन सी, सॉरी ई। एल्स पे आते हैं, और एल्स पार्ट में हमारे पास क्या है कि लिस्ट एम्प्टी है, सो दिस इज अवर स्टेप टू, और इसमें हमने सिंपली रिटर्न करवा देना है दिस वैल्यू, दिस अनॉर्मस वैल्यू। और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, दिस इज जस्ट इंडिकेशन कि हमें पता लग जाए कि हमारी लिस्ट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। ओके जी, अब हम नीचे आते हैं और यही काम हम दोबारा कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पे इधर टेल आ गया, और यहाँ पे हम एक दफ़ा लाइन ब्रेक कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब हमने इसको कॉपी किया और अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट करके रन करते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी, हमारे पास क्या कहते हैं, टेल में सिक्स था, सिक्स मूव हो गया, और उसके बाद जो लिस्ट है उसमें ये दो एलिमेंट्स